नमस्ते एवरीवन, उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करेंगे हम लोग। 4 पजल 12 मिनट विद टाइमर। और आज है आप लोगों का डे नंबर 61। डोंट नो यार, ये 61 या 62 ऐसे ही कुछ होगा, ठीक है। बट अब इस पे 61 डला हुआ है, तो हम इसको 61 टारगेट करते हुए चलते हैं। इसके अलावा एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है एवरी संडे, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। आप प्लस ज्वाइन कर सकते हो, कोड यूज़ कर सकते हो DBZ लाइव, ठीक है। तो एक बार जल्दी से सब लोग यस डाल दो, वैसे ही सेशन को स्टार्ट करें। चलिए, पजल नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन। पता नहीं यार क्या किया है भगवान ने, कहाँ है फादर मेरे, क्या ही बोलूं। गाइस एक मिनट में आती हूँ।
चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को कि किस तरीके से सॉल्व होगा। देखो 8 पर्सन है, 4 स्टोरी बिल्डिंग पे रहते हैं, ठीक है, 4 फ्लोर है, तो हमने सबसे पहले 4 फ्लोर ले लिया, ठीक है, 4, 3, 2, 1। आगे बोला गया है फ्लैट ए और फ्लैट बी के बारे में बात की जा रही है, ए वेस्ट में है बी के, तो हमने यहाँ पे ए और बी फ्लैट ले लिए, ठीक है। टी आगे बात करते हैं, टी लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ डब्ल्यू, ठीक है गाइस, थोड़ी सी अगर मैं क्वेश्चंस में डिस्टरबेंस हो जाए तो प्लीज़ थोड़ा समझने की कोशिश करना, मेंटली फिजिकली दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई इसलिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं, टी जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है डब्ल्यू के, तो अगर नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से होगा, और इवन पर है तो या तो 2 पे होगा या फिर 4 पे। ओनली 1 फ्लोर डब्ल्यू एंड वी, अब W और V के बीच में एक ही फ्लोर है, X वेस्ट में है V के, मतलब आपको दे रखा है कि अगर X वेस्ट में है V के तो कुछ इस तरीके से होगा। आगे बोला जा रहा है X M सेम फ्लैट पे है, ठीक है, तो X और M इस तरीके से सेम फ्लैट पे है, ठीक है, तो आपको ये पता ही है कहीं भी हो सकते हैं, बस हमको ये पता है कि इनका फ्लैट सेम है। M अबव X, ओके M X के ऊपर है तो इस तरीके से बैठेगा, ये भी कन्फर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, P और N सेम फ्लोर पर है, ठीक है, तो P और N कुछ इस तरीके से सेम फ्लोर पे होंगे। N साउथ में है R के, ठीक है, तो अब आपको यहाँ दे दिया कि R के साउथ में N है। अब आप लोग बताओ कहाँ से स्टार्ट करें क्वेश्चन को, एवरीवन कहाँ से स्टार्ट करें जिससे कि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। ऐसा कौन सा पॉइंट उठाएं जहां से पॉसिबिलिटी स्टार्ट करें और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए। बिल्कुल, हम उठाएंगे टी से और डब्ल्यू से, ठीक है, हमको पता है यहाँ पे जो टी आपका आएगा वो या तो आपका टी इस जगह आ सकता है या फिर टी आपका इस जगह आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इवन पे आना है, यहां से हमारा टी डिसाइड हो गया। अब हमको इसके बाद पता है कि W जो है वो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, लेकिन अगर आप W को यहाँ सेकंड पे बनाते हो तो V ऊपर आ जाएगा, लेकिन हाँ आ सकता है V क्योंकि ध्यान, लेकिन फिर X नहीं बनेगा। W आपको कन्फर्म है इन दो जगह पे आएगा, या तो 3 पर आएगा या फिर 1 पे आएगा, और यहाँ पे कन्फर्म है कि W यहाँ आएगा। W अगर यहाँ आया तो ये V हो गया और ये आपका X हो गया, X के ऊपर M आना है, ठीक है, सेम फ्लैट पर है, ये भी हो गया। आगे आपको पता है N और P सेम में है, अब नहीं बन पाएंगे, मतलब पॉसिबिलिटी गलत है। फर्स्ट वाले की बात करते हैं, फर्स्ट वाले में क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट वाले में आपको अगेन यहाँ पे रख के देखते हैं कि मान लो W को अगर इधर रख लें, ठीक है, और V को इधर रख लें तो ये X हो जाएगा, ये बचेगी आपकी N और P की कंडीशन, और N के ऊपर R आना है, मतलब N यहाँ हो जाएगा, R यहाँ हो जाएगा, P यहाँ हो जाएगा, बट ये तो गड़बड़ हो गई क्योंकि यहाँ पे MX तो बन ही नहीं पाया क्योंकि X के ऊपर M आना है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी क्या है, गलत है। तो हमको कन्फर्म हो गया कि जो W आएगा वो यहाँ आएगा, V यहाँ आएगा, X यहाँ आएगा, ये N P बचेंगे। अब हमको पता है कि N के ऊपर R आना है और X के साथ में M आना है, तो ये N हो गया, R हो गया और ये P हो गया। उम्मीद करती हूँ सभी का सेम बना है। पजल नंबर सेकंड,
ऑप्शन नंबर वन आ रहा है, चेक करते हैं। एट पर्सन है एक रेक्टेंगुलर टेबल के अराउंड में बैठे हुए हैं। आगे बोला गया है फोर कॉर्नर में है, फोर मिडिल में है। द पर्सन कॉर्नर सेंटर, कॉर्नर वाले जो है वो अंदर की तरफ में देखेंगे, मतलब कि सेंटर की तरफ में। और जितनी भी मिडिल में है वो आउटसाइड देखेंगे, मतलब कि बाहर की तरफ में। आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है, ए अवे फ्रॉम द सेंटर है, मतलब ए कहीं मिडिल में होगा, हमको ये चीज पता है। एच और जी डी के नेबर हैं, तो ये हमने अलग से लिख लिया अभी। ई मिडिल में नहीं है, मतलब कि ई कॉर्नर में है। एफ जो है वो ना तो जी के अपोजिट है और ना ही एफ बी के बगल में है, ठीक है ना। अच्छा एक लाइन रह गई, यहाँ दे रखा है ए अवे और इमीडिएट राइट ऑफ बी, अरे मैंने एक लाइन छोड़ दी, ए बी के इमीडिएट राइट में है। सी फेसिंग सेम डायरेक्शन बी, सी और बी भी सेम डायरेक्शन है और सी ए के बगल में नहीं है, तो हमको पता है कि ए कहीं ना कहीं मिडिल में आएगा पहले। तो अब एक ए बी के इमीडिएट राइट में है तो ये बी सेट, सी और बी सेम है मतलब कि सी कहीं कॉर्नर पे आएगा, ए के बगल में आएगा नहीं, तो सी के लिए ये दो जगह बनेंगी, ये डन। डी एच जी के बगल में है, ए वाली लाइन डन। ई कॉर्नर में है, अभी ई इन दोनों जगह आ सकता है, बट अगर इधर आएगा तो एच डी और जी नहीं बन पाएगा, तो ई इधर आएगा। इधर अगर हम रख देंगे सेम कंडीशन तो ई आपका इधर आएगा, ये भी डन। अब बच रहा है हमारे पास डी, तो डी तो यहाँ आएगा, एच और जी को अभी बनाएंगे और ये बचेगा एफ, ये डी और ये बचा एफ। अब आपको पता है एफ के सामने जी नहीं आएगा, तो ये बचेगा जी, और एफ बी के बगल में भी नहीं आएगा, पॉसिबिलिटी गलत, ये बचा। उम्मीद करती हूँ सभी को क्लियर है। पजल नंबर थर्ड,
चलिए टाइम ओवर हो गया है, देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 या 3 कौन सा सही है। 10 पर्सन है 2 रोज में, 5 5 दोनों रोज में बैठे हुए हैं। आगे बोला गया है फर्स्ट रो में ए बी सी डी ई है, सारे के सारे साउथ में देख रहे हैं, मतलब ऊपर वाली रो में है, और नीचे वाले में पी क्यू आर एस टी है, और दोनों रो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। आर सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, और कोई एक एंड में है, तो या तो आर एंड में होगा या फिर क्यू एंड में होगा। आगे बढ़ते हैं, द पर्सन फेसिंग क्यू, मतलब जो पर्सन क्यू को फेस कर रहा है वो ई के इमीडिएट लेफ्ट में है। ओनली वन पर्सन ए एंड डी, तो अभी तो पॉसिबिलिटी है। आगे बोला जा रहा है टी सेकंड टू द राइट ऑफ एस, तो एस के सेकंड राइट में टी एक ही जगह आ सकता है। एक पर्सन बचा हमारे पास में पी, ई जो है वो ए के बगल में नहीं है, मतलब कंफर्म है ए यहाँ नहीं आएगा, तो आपको 100% श्योर है ए यहाँ आएगा डी यहाँ, अगर ई के बगल में नहीं आएगा ए यहाँ आएगा और डी यहाँ। आगे बात करते हैं इसके बाद में क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट कंडीशन में, बी टी को फेस नहीं करेगा, तो ये आ गया आगे, और ना ही एंड में है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी गलत, अगर एंड में नहीं है तो ये रहा बी और बचा सी। क्वेश्चन था बी और डी के बीच में कितने लोग हैं, नन, मतलब ऑप्शन नंबर 2। पजल नंबर 4, चलिए देखते हैं आप लोगों का आंसर सही है कि नहीं। 6 पर्सन है एक ट्रायंगुलर टेबल के अराउंड में बैठे हैं, थ्री
थ्री पर्सन कॉर्नर में है, थ्री मिडिल में है। ए इमीडिएट लेफ्ट है ई के। एक और बात बोली गई है कि जो भी जितने भी हैं सारे के सारे आउटसाइड है, ठीक है, हम इनसाइड लेके भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आउटसाइड दे रखा है सबका तो आप इनसाइड लेके भी सॉल्व कर सकते हो। टू पर्सन ई एंड एफ, ठीक है, तो स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, एक बार ई को मिडिल में रखते हैं, एक बार कॉर्नर में। ई के इमीडिएट लेफ्ट में ए है, ई और एफ के बीच में दो हैं, बी अपोजिट है तो सेकेंड टू द लेफ्ट है सी के। डी कॉर्नर पे नहीं है, मतलब कि डी मिडिल पे होगा, मतलब इन दो जगह पे होगा। यहाँ पे बात करें तो एक ही मिडिल खाली है। अब आपको पता है कि बी उसके अपोजिट है जो सी के सेकंड लेफ्ट में। सी को यहाँ रखे तो भी नहीं आएगा, सी को यहाँ रखे तो भी नहीं, सी को यहाँ रखे हाँ आ जाएगा। सी के सेकंड लेफ्ट के सामने बी है, इधर आ जाते हैं इसमें। सी के सेकंड लेफ्ट के सामने कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? बी अपोजिट सेकंड, नहीं सही है ना, सी के सेकंड लेफ्ट के, हाँ सही है। अब देखो सी के सेकंड लेफ्ट के सामने, मतलब कि ए के सामने यहाँ पे बी आ रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, सी के सेकंड लेफ्ट के सामने बी नहीं आएगा, सी के यहाँ भी नहीं आएगा, मतलब पॉसिबिलिटी गलत है और ये वाली सही है। एक ही पर्सन बचा हुआ है एफ के बगल में डी। उम्मीद करती हूँ चारों पजल सही होंगी, ठीक है एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी को क्लियर होगा। ठीक हूँ यार मैं, अब पापा के जाने का गम तो कोई पूरा नहीं कर सकता ना, उनकी जगह कभी भी कोई नहीं ले। अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है, और शाम को 7 बजे। थैंक यू।